सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज दा अपना टॉपिक है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन तो ब्रेन की है, देखो अपनी अपनी बॉडी जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ विजन, नॉइज और हेयरिंग, है ना, जो भी आप देखते सुनते हैं स्मैल करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कितने जाती है? वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन के विच जाती है, उत्थे प्रोसेस होती है, तो बॉडी अगे रिस्पोंस करती है। ठीक है जी, तो एक मतलब कि ये बॉडी का बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट हैगा है। ठीक है, उस तो बाद देखो ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर स्ट्रक्चरली कनेक्टेड विद वन अनदर एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड। मतलब कि जिन्हें भी ब्रेन के पार्ट्स ने, वो एक तो स्ट्रक्चरली मतलब कि वह वैसे भी जुड़े हुए एक दूजे नाल, कि जो उन्होंने फंक्शन है ना वो भी एक दूजे नाल जुड़िया हुआ है। ठीक है, जिन्हें भी पार्ट्स अगर आप फर्दर पढ़ने ने, वो एक दूजे नाल कनैक्टिड ने। ठीक है जी, हुण वेखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरे सिस्टम नूं आपां बोल दिंदे आ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इज़ अ साइट ऑफ इनफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द नर्वस सिस्टम। मतलब देखो जिदा आप कंप्यूटर च सारे पढ़ते हैं, है ना, कंप्यूटर च की होंदा है, सीपीयू होंदा है कंप्यूटर च, वो की करता है जिन्नी भी इनपुट कंप्यूटर लैंदा है ना उन्हें प्रोसैस करता है, तो फिर आपां नूं आउटपुट दिंदा है, है ना। उस तरह ही अपनी बॉडी च ब्रेन होंदा है, ब्रेन की करता है जिन्नी भी अपनी इनपुट लेगा, सॉरी जो पार्ट्स ने ना इनपुट लेके ब्रेन दे विच भेजणगे, ब्रेन उत्थे उन्हें प्रोसैस करेगा तो रिस्पोंस देगा। ठीक है जी, इट मीन्स इट्स अ हाईली डिवेलप्ड एरिया, हाईली डिवेलप्ड पार्ट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर की आ जाता है, एकदम ब्रेन आ गया। ठीक है, मतलब हेड वाला पार्ट अपना, उस तो बाद नीचे रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन दोनों सिस्टम को मिला के की बोलते हैं, ब्रेन ते स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिला के बन जाता है अपने को जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज अपना टॉपिक है ब्रेन। हम आप ब्रेन के बारे डिटेल विच पढ़ते हैं। देखो अबाउट 1000 बिलियन न्यूरोन्स, ब्रेन विच की ने 1000 बिलियन के करीब न्यूरोन्स ने। न्यूरोन की होंगे, न्यूरोन्स इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। की है ये न्यूरोन, है ना, उन्हें नर्व सैल न्यूरोन आप कहने। ठीक है, ये किदा होंगे होंगे, देखो इदा इसकी शेप होंगी है। ठीक है जी, इदा के बहुत सारे सैल ने जो अगे अगे फिर अगे एक न्यूरोन के नाल जुड़िया होया है। ठीक है, ये सारे इनफॉर्मेशन एक दूजे को सेंड करते हैं साइनैप्सिस के थ्रू। ठीक है, एक ही फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अगर देखो जो ब्रेन का वेट है ना, वो होंगे एवरेज वेट 1300 ग्राम। ठीक है, हम जो ब्रेन है वो कादे विच प्रोटेक्ट होंगे, ब्रेन बॉक्स के विच, उन्होंने आप कह दें स्कल। जिदा अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ने, है ना, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ प्रोटेक्ट करती है, स्किन प्रोटेक्ट करती है, दैन अलग अलग उन्होंने कैविटीज़ ने, है ना, बोनी एरियाज ने, उवें जो ब्रेन का बोनी एरिया है वो हैगा स्कल। आ ब्रेन है ना, इनू बाहरों एक हड्डियां दी परत बोनी स्ट्रक्चर कवर करती है, उन्हों आपा कह दिंदे स्कल। ठीक है, फिर वेखो उस स्कल दे नीचे तीन लेयर्स बनिया हुई ने, तीन लेयर्स ने, फिर जाके ब्रेन आता। वो जिहड़ियां तीन लेयर्स ने उन्हां नूं आपा मेनिंजेस बोल दिंदे आ। ठीक है, आ देखो इस तरह तीन लेयर्स ने, आह जिवें हो गया अपना स्कल हो गया, आह तीन लेयर्स हो गया, उस तो बाद इत्थे अपना ब्रेन पिया होया। ठीक है जी, तो उन्होंने मैमब्रेन्स में अपना की कहने मेनिंजेस, द स्पेस बिटवीन मैमब्रेन्स फिल्ड बाय सेरिब्रल फ्लूइड। ठीक है, उस स्पेस में कौन फिल करता है? सेरिब्रल फ्लूइड, मतलब कि एक फ्लूइड होंदा है इन तिना मैमब्रेन्स के विच, उन्होंने आप कह दें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड CSF। ठीक है, इनके हुण फंक्शन की होंगे ने, एक तो एज अ शॉक अबजॉर्बर काम करता है, एक मैकेनिकल शॉक्स में ऑब्जर्व करता है, तो जो ब्रेन के प्रेशर में मेनटेन करके रखता है। अदर फंक्शनस है ने एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन नर्व टिश्यू एंड ब्लड, यानी कि ब्रेन के जिन्हें भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना है, है ना, वो जिदा अपनी बॉडी के ब्लड या अदर फ्लूड्स करते हैं, तो जो ब्रेन के कौन करता है? वो करता है CSF। ठीक है जी, हुण अगे जो ब्रेन है ना वो तीन पार्ट्स डिवाइड किया हो, तीन पार्ट कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देखो जिमें आह ब्रेन है ना,
इन्हें जोड़ा अगे वाला हिस्सा इन्हों आप कह दें फोर ब्रेन, ठीक है, फ्रंट। जोड़ा मिडल वाला हिस्सा मिड ब्रेन, मिडल, ठीक है। लास्ट वाला जो हिस्सा हिंड ब्रेन के बैक, ठीक है। ये तीन हिस्से ने ब्रेन ले, ठीक है जी। हाँ देखो, पहला आप पढ़ते हैं फोर ब्रेन बारे। फोर ब्रेन यानी कि जो फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, है ना। एक ही होंगे सेरेब्रम, ठीक है। ये होंगे एक सेरेब्रम, एक है ओल्फैक्टरी लोब्स। वो की करते हैं, उस स्मेल वास्ते हेल्प करते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। हम देखो सेरेब्रम की है, सेरेब्रम इज द मोस्ट स्पेशल एंड लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। यानी कि सब तो वड्डा तो सब तो स्पेशल पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। दो हेमीस्फीयर्स का बनया हुआ है एंड हैविंग डिफरेंट एरियाज। दो हेमीस्फीयर्स ये कि देखो आह हो गया अपने को सेरेब्रम, सेंटर विच डिवाइड होंगे लैफ्ट एंड राइट हेमीस्फीयर के डिवाइड होंगे, ठीक है। ये फरदर इंपोर्टेंट एरियाज ने जिन्हों के थ्रू इनफॉर्मेशन रिसीव करता है तो रिस्पोंस करता है। वह इंपोर्टेंट एरियाज कि एक तो है जी ऑसीपिटल लॉब, ठीक है। पहला अपने को करता है जो अपने आईज का काम होंगे, साइट रीजन हेल्प करता है। फिर ये अपने को टेंपोरल लॉब, मतलब जो भी आप सुनते हैं, है ना, वह की करता है, वो कितने जाता टेंपोरल लॉब विच। फिर जो भी आप बोलते हैं, है ना, या कोई मैंटल एक्टिविटी आप सोचते हैं, वह अपना जाता फ्रंटल लॉब के। टेस्ट स्मैल एंड टच भी अपने को होंगे ब्राइटल लॉब, ठीक है जी। उस तो बाद है मिड ब्रेन, यानी कि ब्रेन का विच वाला हिस्सा, ये सेंट्रल पार्ट, ठीक है। ये की करता है रिफ्लैक्स मूवमेंट ऑफ हैड नैक एंड ट्रंक इन रिस्पोंस टू स्टिमुलाई। जिन्हें भी हैड नैक एंड ट्रंक रिफ्लैक्स मूवमेंट्स ने ना, उन्होंने कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन, ठीक है जी। उस तो बाद आया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के किन्ने पार्ट्स होंगे, बोन, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है सेरेबेलम। ये की करता है, एक तो यह बॉडी का बैलेंस मेनटेन करके रखता है, दूसरा यह बॉडी का पोस्चर मेनटेन करके रखता है, ठीक है। कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। मतलब आप तुरते हैं या आप खड़ी होंगे, जो भी अपना बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम। फिर अपने को मेड्यूला, मेड्यूला की करता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड वेसल्स कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है जी। हम एक छोटी जी स्ट्रक्चर देख लो, तुम देखो, मैं सिंपल इसलिए रखी ताकि तुम्हें इसलिए समझ आ जाए। जिदा ही फ्रंटल पार्ट हो जूगा, ठीक है, सेरेब्रल हेमीस्फीयर, उस तो बाद मिडल पार्ट हो जूगा, तो ये हिंड ब्रेन वाला थर्ड पार्ट हो जाएगा। ये अपने को आ गया सेरेबेलम, स्पाइनल कोड, बोन्स, सॉरी स्पाइनल कोड अपनी आया, ठीक है। आह बोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम जो हिंड ब्रेन के पार्ट्स ने, आह सेरेब्रल जो हेमीस्फीयर फ्रंटल का पार्ट है, फ्रंटल, मिडल एंड हिंड, ठीक है जी। इन्हें ही सीधा ब्रेन बारे इनफॉर्मेशन। बाकी तुसी होर अगों बायो दे टॉपिक कवर करन लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, स्टडी विद सिद्धू साडे नाल बने रहो, ठीक है जी। तुसी सानूं कमेंट सैक्शन विच सुजेस्ट कर सकदे हो, ठीक है, फर्दर लैक्चर्स लई। एंड कोई भी इशू है तुसी सानूं कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो। सो थैंक यू, अज दे लई इन्ना ही।